गुड मॉर्निंग क्लास, आज ट्यूसडे है और आज हम इंग्लिश क्लास में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। अ सेंटेंस इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कोई भी एक सेंटेंस होगा उसमें एक पार्ट सब्जेक्ट का और एक पार्ट प्रेडिकेट का होता है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट कंटेन द प्रोनाउन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कि जिस फर्स्ट पार्ट में किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात हो रही हो वो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है। और द सेकेंड पार्ट कंटेन्स वट वी आर सेइंग अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हम जो पर्सन या कोई जो थिंग है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इससे कि हरी रन्स फास्ट। तो इसमें हरी है, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और द रन फास्ट ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। आया? इसी तरह द लिटिल गर्ल, यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। और जो बात हो रही है इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिख रही है। अ लिटिल गर्ल सब्जेक्ट इज़ राइटिंग अ लेटर, ये है प्रेडिकेट। इसलिए रितु सब्जेक्ट लिव्स इन अ बिग हाउस, ऋतु कहाँ रहती है, एक बड़े घर में रहती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ये लेंगे कि डिवाइडेड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अगस्त क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज़ 31 डेज, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पे अगस्त हैज़ 31 डेज। ठीक है, आई एम 9 years old, I am 9 years old. India is a big country. I am very thankful to you. Ram is studying, ना? ठीक है, ये आया समझ में, इसलिए सेकेंड एक्सरसाइज लेते हैं। एड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ प्रेडिकेट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट हमने खुद बनाया है। सब्जेक्ट की पिक दे रखी है यहाँ पे, ये पिक्चर है ना, ये क्या है, कॉबलर है, मैंड्स अवर शू, जो कॉबलर है वो हमारे जूते बनाता है। ये क्या है, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये है फार्मर वर्क्स इन फील्ड, जो किसान है खेत में काम करता है। ये है पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, ये भी सब्जेक्ट है ना। यह है लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट ना। यह है इंडिया गेट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये इंडिया शो किया हुआ इससे, ठीक है ना, सॉरी, ये दिल्ली इससे शो किया हुआ है, ये इंडिया गेट है ना, इससे दिल्ली शो किया हुआ है, ये इंडिया गेट में। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ना। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में आपका ये होमवर्क होगा, ये आपने खुद इसमें प्रेडिकेट ऐड करने हैं। ऐड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डेंटिस्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, आपने प्रेडिकेट यहाँ पे खुद लिखना है। मुंबई, जैसे एक मुंबई का बता देती हूँ मैं, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, ठीक है, प्रेडिकेट हमने खुद लगा दिया। द बास्केट, द गंगा, अ क्लॉक, अ मिल्कमैन, ये आपने इजी खुद बनाने हैं। ठीक है, ओके बच्चों।